सरकार की शान के लिए तो जान देना भी मामूली काम है, जेल जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ये तो उसकी तमहीद है। जहां जान का नजराना एक मामूली सी कुर्बानी है, जेल चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेडरूम पर जेल को तरजीह देते हैं, घर के नाश्ते पर जेल की भूख को तरजीह देते हैं, अपने कारोबार और दुकान पर जेल जाने को तरजीह देते हैं। और रब्बे काबा की कसम, जिसकी नियत खालिस होगी उसे पूरा सवाब भी मिल जाएगा। लिहाजा हमारे बाजू तो हाजिर हैं सरकार के नाम पर जेल जाने के लिए। वक्त के यजीदों को बता रहे हैं, सारे अपने बाजू बुलंद करो और नियत 100% जेल जाने की कर लो। कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह फरमान है, जब उन्हें हालात का सामना था, जिन हालात में उनकी मर्जी पूरी नहीं हो रही थी, जिन हालात में उनके तकाजे इफ्फत पाकदामनी के, इज्जत और हुर्मत के पूरे करने मुश्किल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैह, रब जिसकी तरफ ये मुझे दावत देती है इससे तो कहीं ज्यादा मुझे खुद जेल चले जाना पसंद लगता है। तो ऐसे हालात में जबर जुल्म और सितम को झंझोड़ने के लिए खुद ब खुद मुश्किलात और मसायब को गले लगाना और अपना ऐलान खुद कर देना, ये सुन्नत अंबिया है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का फरमान बशक्ल आयत मौजूद है। तो इस मादा परस्ती के दौर में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ऐसी कुव्वत रखते हैं कि आज यहां से लेकर अमेरिका तक लोग तो जेलों से भागते हैं और थाने की एक रात भी उनको मुश्किल लगती है, मगर इस मादा परस्ती के दौर में आज भी देखो ये आशिकाने रसूल अलैहि सलाम का ठाठे मारता जम्मे गफील सिर्फ इस मकसद के लिए बैठा है, हम थके नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम दबे नहीं हैं, हम बिके नहीं हैं। तेरी शान की खातिर हम जान भी देंगे, तेरी शान की खातिर हम जान भी देंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे या नबी।